हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैनाडियन इंजेक्शन के बारे में, जानेंगे यह क्या होता है और यह कैसे काम करता है, इसके क्या उपयोग होते हैं और इसको लेने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जानते हैं कैनाडियन इंजेक्शन के बारे में। कैनाडियन इंजेक्शन में जो मेन कंपोजिशन है वो है फाइटोमेनेडियन, जो कि विटामिन के को बोला जाता है, क्योंकि यह विटामिन के का इंजेक्शन है, तो इसको जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की क्लास में रखा जाता है। फाइटोमेनेडियन विटामिन के की एक सिंथेटिक फॉर्म होती है। इसका उपयोग जो विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है उसको ठीक करने के लिए और ब्लीडिंग या फिर ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से कैनाडियन इंजेक्शन में मेन कंपोजिशन होता है वो होता है विटामिन के, इसी तरह से दूसरे ब्रांड्स भी इसी कंपोजिशन के साथ आते हैं, जैसे कि लिविट के या केविन और भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं जिनमें मेन कंपोजिशन विटामिन के का ही होता है, तो उनको भी इसकी जगह परचेज कर सकते हैं। विटामिन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन होती है और इसके फंक्शन को देखें तो इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन करना, जैसे कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 होते हैं तो इनको एक्टिवेट करती है, और इसके साथ साथ ही ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको रेगुलेट करती है, और कई टाइप्स के प्रोटीन होते हैं उनके सिंथेसिस में और उनके एक्टिवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ओके, और साथ ही कई सारी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि बोन फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करती हैं, तो उनको भी ये सिंथेसिस या एक्टिवेट करती है। इस सब के साथ साथ विटामिन के हार्ट की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है। अब जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर इंजरी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है, ओके, ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जो विटामिन के द्वारा जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाई गई थी वो भी एक्टिव हो जाएगी, तो ये आपस में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्रोथ्रोम्बिन आपस में मिलकर बनाते हैं थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन आगे चल के चेंज हो जाता है फाइब्रिनोजन में, ठीक है, फाइब्रिनोजन आगे चल के कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट थी और ये फाइब्रिन आपस में काम करके दोनों एक साथ मिलके क्लॉट बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है और इसको होने में जो टाइम लगता है वो नॉर्मली लगता है 1 से 6 मिनट, अगर इससे ज़्यादा लगता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि कौन सी मेडिकल कंडीशन है। नॉर्मली जो टाइम होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो होता है 1 से 6 मिनट का, ओके। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है या फिर विटामिन के अपना काम करती है। अब जानते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स के बारे में। तो इसका जो पहला सिम्टम्स है यही है कि कहीं पर चोट लग जाती है या फिर इंजेक्शन लगा हो या सर्जरी होती है तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है। इसके साथ साथ ही जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो भी बढ़ जाता है। नॉर्मली जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो होता है 1 से 6 मिनट के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा जो क्लॉटिंग टाइम होता है तो उस कंडीशन में समझा जाता है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, ओके। और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं इस टाइप से, ठीक है, और खोखली भी हो जाती हैं बोन, तो ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। और जो हड्डियों का डेवलपमेंट है काफ़ी पुअर हो जाता है, ओके। और जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होते हैं यानी हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं उनकी रिस्क हाई हो जाती है होने की, और यूरिन में और स्टूल में ब्लड निकल सकता है, और जो पीरियड्स होते हैं वुमेंस में उनके दौरान भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और नोज से ब्लीडिंग होती है और जो मसूड़े होते हैं वहाँ से ही ब्लीडिंग होने लग जाती है, और इसके साथ साथ ही जो स्टमक होता है वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है। अब जानते हैं कैनाडियन इंजेक्शन के यूज के बारे में। तो इसके जो यूज हैं उसमें से जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो तब इसका यूज किया जाता है, और डाइट्री डेफिशिएंसी के दौरान इसका यूज किया जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है यानी खून ज़्यादा निकलता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ही जो एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन होती हैं जब उनका ओवरडोज या टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके दौरान भी ब्लड निकलता है या ब्लड थिन हो जाता है तब भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि एंटीकोगुलेंट जो होती हैं वारफेरिन होती है, तो ऐसी कोई मेडिसिन की अगर टॉक्सिसिटी होती है या ओवरडोज होता है तो उस दौरान हम इसका यूज करते हैं, ओके। इसके साथ साथ ही जो ब्लीडिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर जो क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होती है तो उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक कंडीशन होती है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, ठीक है, तो इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बन पाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
अब जानते हैं कैनाडियन इंजेक्शन की डोज के बारे में। तो डोज से पहले जानते हैं इसकी स्ट्रेंथ। तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें जो स्ट्रेंथ रहती है 1 mg रहती है इसकी 0.5 ml में, यानी इसका हम 0.5 ml इंजेक्ट करेंगे तब जाके 1 mg 1 mg की जो मेडिसिन होगी वो डिलीवर होगी। तो इसका जो डोज रहता है वो रहता है 2.5 mg से लेके 25 mg पर डे। इसको हम डिवाइडेड डोज में देते हैं, जैसे कि IM यानी इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं और IV इंट्रावेनियस भी दे सकते हैं। ओके, तो इंट्रामस्कुलर जब इसको दिया जाता है तो काफ़ी स्लोली दिया जाता है। जब हम इसको IV देते हैं तो इसको डाइल्यूट किया जाता है DS के साथ, जिसको कि D5 बोलते हैं, या फिर NS के साथ या DNS के साथ। तो इसमें से किसी एक के साथ इसको डाइल्यूट करके दिया जाता है अगर हम इसको IV देते हैं तो। अब जानते हैं कैनाडियन इंजेक्शन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और मसल्स में स्टिफनेस हो सकती है और स्किन येलो या फिर आई येलो हो सकती हैं इस टाइप से। ओके, और भूख कम हो जाती है, डाइजीनेस हो सकती है, चेस्ट में पेन दर्द हो सकता है, स्किन पर रैसेस हो सकते हैं और जहाँ पर इंजेक्शन लगाया है उस साइड पर दर्द हो सकता है, हॉट फ्लशिंग यानी बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है और जो पसीने की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, पसीना ज़्यादा आने लग जाता है और ब्लड में जो बिलरुबिन होता है तो बिलरुबिन का लेवल भी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और वार्निंग्स के बारे में। तो जिस किसी को भी एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रहती है विटामिन के से तो उसको इसे नहीं दे सकते, या फिर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में इसको नहीं दे सकते। ओके, और जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलती है तो उसके साथ इसको यूज नहीं किया जाता। जिस किसी को भी फास्ट में रीनल फेलियर, लीवर फेलियर या फिर किडनी डिजीज़ या फिर लीवर के डिजीज़ हुए रहते हैं तो उसको उसके लिए अगर यूज करते हैं इसको तो कॉशन के साथ यूज किया जाता है। तो ये थी जानकारी कैनाडियन इंजेक्शन के बारे में। आई होप आपको इस जानकारी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।